योर इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? वेलकम टू इंडिया और हरमन पुलिस जो है काफी ये मेरे साथ म्यूजिक म्यूजिक पे जुड़े हुए हैं, ये मेरे रीमिक्स बना रहे हैं, ये मेरा अभी एक हम मेरा शब्द है, मेरा प्यार है। उधर देखिए कैमरा दिखाइए, गुरबानी से ये गुरु गोविंद सिंह से मेरा प्यार है, उनके ऊपर उनकी एक एक गुरबानी है जो हम सुबह गाते हैं। जब जब मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, जैसे अब ये कर रहा हूँ, तो मैं यही शब्द बोलता हूँ। अब ये शब्द सुनिए, कल मैंने इसको कहा मुझे 5 मिनट में शब्द बना के दे, इस बंदे ने रिकॉर्ड किया, सुनिए आप, सुनो आप इंस्पायर हो म्यूजिक के साथ सुनो। हरबंस कोहली जी का नाम तो सब जानते हैं, बहुत सालों से ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिट फिल्में दे चुके हैं, बहुत हिट गाने लिखे हैं, बहुत हिट फिल्में लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं, तो इनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बहुत धन्यवाद इनका। तो थोड़े दिन पहले ही मिले थे हम लोग, और ये शब्द एक बनाने के लिए इन्होंने बोला हमें कि ऐसा ये शब्द एक बनाना है आपको, तो वो बनाया है, आपको ट्रैक उसका सुना देते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ये कोई गाना नहीं है, ये गुरबानी है। और ये गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा है कि तुम जिंदगी में जब कहीं जाओ कोई काम करो, ये मंत्र पढ़ लेना, यू बी सक्सेसफुल। हम लोग वार पे जाएंगे, ये शब्द आएगा, ये सुनिए। देश हुआ और मोहे शुभ कर्म ते कहो न टलू न टलू, निश्चय कर शब्द है तो इसके लिए थोड़ा मर्यादा के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देश बाबर मोहे है शुभ कर मन ते कब न डरो न डरो, हर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और सिख हो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरो, जब आप गियोद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो, देख शिवा बर मोह है शुभ कर मन ते कब न टरो। अगर गुरबानी है और जब जब मैं दुखी होता हूँ, जिंदगी में कमजोर पड़ता हूँ, तो मैं यही शब्द पढ़ता हूँ। तो मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था एयरपोर्ट पे, तो एक टैक्सी की मैंने ओला की, उसमें ओला की टैक्सी में पीछे वो जो वीडियो का था तो उसमें गाना बज रहा था, कौन सा बन रहा था ये बताएंगे आप कौन सा गाना था, पर प्रतीक का गाना है मिट्टी मेरी मिट्टी, दीपराज जी का गाना है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तो ये गाना मैं सुन रहा था, बार बार बज रहा था, 25-30 मिनट की ड्राइव थी मेरे होटल से, 7 बार मैंने सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं यहाँ आया मुंबई में तो हर जगह मैंने, जैसे अभी मैंने से बोला मुझे मनोज कुमार का, मैंने बोला इस बंदे का सिंगर का नंबर चाहिए, मैंने 3 दिनों में ढूंढा, पता लगा वो चंडीगढ़ का सिंगर है, बी प्राग, सुनिए उस सिंगर का नाम है बी प्राग, वो चरणजीत औजा जो इतने बड़े मरीज रहते होंगे। तो मैंने उनको हम्बल रिक्वेस्ट की कि मैं 4-6 शो कर रहा हूँ अमरीका कैनेडा, क्या आप मेरे साथ शो करोगे? उनका जवाब पॉजिटिव आया। तो फिर मैंने सही कहा कि मुझे एक ऐसा ही गाना बना के दे दो जो सिखों का जोश का गाना, वो गाना ये सुनिए। ये गाने का जन्म हुआ केसरी वाले गाने से, मगर ये गाना भी उससे कम नहीं है, ये उस ठीक है वो, आज वो इतना जो भी है, आज सिंगर है जो भी है,
मगर कल ये भी इतना बड़े सिंगर होगा. ही इज माय म्यूजिक डायरेक्टर प्लस सिंगर. सुनिए ये गाना ध्यान से सुनिए, म्यूजिक के साथ सुनिए, म्यूजिक के साथ. सर ये जो हम सीखे the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.